स्टूडेंट्स, तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे और टॉपिक का नाम है आरटी विच इज़ एब्रीवेशन फॉर रोल्स थ्योरम एंड सेकंड इज़ एलएमवीटी विच इज़ एब्रीवेशन फॉर लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये काफ़ी ईजी और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पे हम सिर्फ इंट्रोडक्शन टू आरटी और एलएमवीटी, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है, सिर्फ इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले एलएमवीटी। तो सबसे पहले हम लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे देखेंगे। लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम की कुछ कंडीशंस है, उसमें की फर्स्ट कंडीशन है कि एफ ऑफ एक्स शुड बी कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस रहना चाहिए। नंबर टू, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। बाय एलएमवीटी देयर एग्जिस्ट पॉइंट सी विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। मतलब ये जो दो इंटरवल है ना आपका, ये जो इंटरवल है जिसके अंदर आपका फंक्शन कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, तो उस इंटरवल के एंड पॉइंट के बीच में ही कहीं तो भी आपको एक आधा पॉइंट मिलेगा, लेट से सी। ओके, लेट से सी सच दैट एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, तो ये हो गई आपकी लैग्रेंजियस एलएमवीटी की दो कंडीशंस और ये है आपका एलएमवीटी। अब रोल्स थ्योरम क्या है, तो रोल्स थ्योरम एक्चुअल में ये जो रोल्स बाबा है ना, ये बड़े ही चालू बाबा है ना। इन्होंने क्या किया, लैग्रेंजियस ने जो यहाँ पे प्रूफ किया, जो उसका जो प्लॉट था वही प्लॉट इन्होंने कॉपी कर लिया और बस एक छोटी सी बात इन्होंने इनमें डाल दी। अब वो बात क्या है, अब जरा सा आप सोचिए कि लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस रहना चाहिए, एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो एफ डैश ऑफ सी बराबर ये आपका आंसर आएगा या ये आपका थ्योरम रहेगा। अब समझ लीजिए कि एफ डैश ऑफ सी में न्यूमरेटर में अगर एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए की वैल्यू इक्वल होती है तो क्या होगा। तो जरा आइए आरटी में, आरटी का फर्स्ट प्लॉट है या फर्स्ट कंडीशन है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल, एलएमवीटी में भी वही प्लॉट है। सेकेंड कंडीशन है एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल, एलएमवीटी की भी वही कंडीशन है। थर्ड कंडीशन जो मैंने यहाँ पे बोली कि अगर यहाँ पे किसी कारणवश एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू इक्वल हो जाती है, मान लीजिए कि एफ ऑफ ए की वैल्यू 2 है तो एफ ऑफ बी की वैल्यू भी 2 हो जाएंगी और एलएमवीटी के अंदर एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू आएंगी 2 माइनस 2। 2 माइनस 2 मतलब 0। सो अगर आपका न्यूमरेटर 0 हो गया तो 0 न्यूमरेटर 0 डिवाइडेड बाय एनी डिनोमिनेटर विल टर्न्स एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, बस यही आपका रोल्स थ्योरम यानी लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम में अगर थोड़ा सा मैं अपडेशन कर दूं, अगर ये तीसरी कंडीशन अगर मैं इसको मिला दूं इस, तो मुझे प्रायः जो मिलेगा उसे ही मैं रोल्स थ्योरम यहाँ पे कहूँगा। तो रोल्स थ्योरम जो है हम ऐसा कह सकते हैं कि एलएमवीटी का ही एक एक्सटेंशन है जिसमें ये थर्ड नंबर की कंडीशन वहाँ पे आएगी। तो सेम टू सेम एलएमवीटी और रोल्स थ्योरम है, तो देखिएगा। अब हम इसके ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो ये जो फिगर है, ये फिगर मैंने आरटी को एक्सप्लेन करने के लिए यानी रोल्स थ्योरम को एक्सप्लेनेशन पर एक्सप्लेनेशन देने के लिए बनाई है और ये जो फिगर है ये मैंने एलएमवीटी को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे बनाई हुई है। दोनों थ्योरम जिस बारे में बात कर रहे हैं ना, वो जो बात है ना, या जो उनका जो एक कॉमन प्लॉट है, वो कॉमन प्लॉट पता है आपको क्या है, वो कॉमन प्लॉट है टेंजेंट। यहाँ पे है ना टेंजेंट के बारे में बात हो रही है। अब आपको ये चीज़ पता है कि अगर मैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड आउट करता हो तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट को मैं तो एम से इंडिकेट करता है, ये तो हमने पिछले वीडियोज़ में देख लिया है। और जो भी एम है ना, मतलब क्या है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इसे मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, डीवाई बाई डी एक्स से फाइंड आउट करूंगा और डीवाई बाई डी एक्स को ही मैं एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पे लिख सकता। तो सबसे पहले तो मैं आता हूँ रोल्स थ्योरम का मतलब ज्योमेट्रिकली क्या होता है इसके लिए। तो समझ लीजिए कि आपके पास में एक ग्राफ है और इस ग्राफ को हमने इंडिकेट किया हुआ है वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स से। ठीक है ना, ये ग्राफ है आपका, ये ग्राफ है, ये ग्राफ जो है इसका जो फंक्शन है वो है वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इसका इंटरवल मतलब बाउंड्रीज, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं इनिशियल बाउंड्री एक्स इक्वल्स टू ए लेता और यहाँ पे मैं फाइनल बाउंड्री एक्स इक्वल्स टू बी लेता। अब आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या है आरटी की, कि जो भी बाउंड्रीज आपने यहाँ पे तय की है, जो भी बाउंड्रीज यहाँ पे तय शुदा है उसके बीच में जो आपका ग्राफ आता है वो अनब्रेकेबल होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस का मतलब अनब्रेकेबल। आगे बताया हुआ है कि ये जो फंक्शन है आपका, वे फंक्शन आपका ओपन इंटरवल ए टू बी पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। अब ये जो आपका यहाँ पे पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा ए।
अब y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो y कोऑर्डिनेट के लिए मैं क्या करूंगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x में इसका जो x कोऑर्डिनेट है ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो मेरा y कोऑर्डिनेट आ जाएगा एफ ऑफ a, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे इंटरप्रिट कर रहा a कॉमा एफ ऑफ b से, एफ ऑफ a से। सेकेंड पॉइंट देखिए, फिर से वही आएगा b कॉमा एफ ऑफ b, ठीक है। अब रोल्स थ्योरम क्या कहता है उसके तरफ थोड़ा सा हम देखते हैं। रोल्स थ्योरम का कहना यह है कि अगर आपने ऐसा कोई ग्राफ बना दिया, उस ग्राफ में फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, ये तो डेफिनेटली, ये दो बातें तो रहनी ही रहनी है। अगर उसमें तीसरी एक ज़्यादा की बात अगर आप ऐड कर दोगे, तीसरी बात कौन सी है कि अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू, मतलब अगर ये जो आपके पॉइंट है इन दोनों पॉइंट का अगर आप वाई कोऑर्डिनेट इक्वल हो जाता है, आप ऐसा एक पॉइंट यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते जिसका x कोऑर्डिनेट मान लीजिए c है। आप ऐसा एक पॉइंट यहाँ पे इस ग्राफ पर, ना ग्राफ के अलावा नहीं, इस ग्राफ पर आप ऐसा एक पॉइंट फाइंड आउट कर दे सकते मान लीजिए जिसका x कोऑर्डिनेट c है, और अगर उस x कोऑर्डिनेट c होने वाले पॉइंट पर अगर मैंने एक टेंजेंट निकाली है, तो वो जो टेंजेंट रहेंगी, मतलब बाय आर टी, वो जो टेंजेंट रहेंगी मेरी कहाँ पे, टेंजेंट एट एक्स इक्वल्स टू सी टू द ग्राफ, वे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेंगे, ठीक है ना। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल्स टू जीरो। एम को हम डीवाई बाई डी एक्स और एफ डैश ऑफ इक्वल्स टू जीरो पर इंडिकेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे है आपका एफ डैश ऑफ एक्स, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट आपका सी, सो एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू बन गया आपका जीरो। तो जैसा मैंने आपको पहले बोला कि रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी दोनों हमें जानकारी देते हैं टेंजेंट के बारे में, और टेंजेंट की जानकारी हम कन्वर्ट करते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट में। तो यहाँ पे रोल्स थ्योरम का मानना क्या है कि अगर रोल्स थ्योरम की दी गई कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो उसी कर्व पर प्रायः ऐसा एक पॉइंट आप फाइंड आउट कर सकते जिसका एक्स कोऑर्डिनेट सी है, और उस पर निकाली हुई टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसी कम से कम एक टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते, ऐसा कहना है रोल्स थ्योरम का। तो रोल्स बाबा का जो थ्योरम है उसका मीनिंग क्या है कि यू कैन फाइंड अ सर्टन पॉइंट ऑन दिस ग्राफ, आप कोई भी एक पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट आप उस ग्राफ पर फाइंड आउट कर सकते जिस पर तुमने अगर टेंजेंट निकाला तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस को पैरेलल होंगी, अगर रोल्स की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है तो, अन्यथा नहीं। तो ये कंडीशन है रोल्स थ्योरम की। अब चलो आगे आए एलएमवीटी की तरफ थोड़ा सा हम देख लेते। तो जैसा मैंने आपको पहले बोला था, ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट बनेगा ए कॉमा एफ ऑफ ए, और ये पॉइंट बनेगा आपका ए कॉमा एफ ऑफ बी, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, सुनो, मैंने क्या किया, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ये जो है इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। तो ये जो ज्वाइनिंग है इसको मैंने बोला लाइन एल, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, ये लाइन एल की मैंने क्या किया, स्लोप निकाला। सो स्लोप ऑफ लाइन एल क्या होगा, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये हो गया आपका स्लोप ऑफ द एल, ठीक है। अब एलएमवीटी क्या कहता है, एलएमवीटी ये कहता है कि अगर ये सारी कंडीशंस है, आप इस एल को एक पैरेलल टेंजेंट निकाल सकते टू दिस कर्व, ठीक है। अब ये जो टेंजेंट है जिसको मैं टी से इंडिकेट करता, अब ये टी हो गई तुम्हारी पैरेलल टू एल, तो टेंजेंट का स्लोप और इस एल का स्लोप इक्वल होगा। और आपको पता है कि टेंजेंट का स्लोप हम कैसे इंडिकेट करते, एफ डैश ऑफ सी से, सो एफ डैश ऑफ सी विच इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द एल, मतलब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे एलएमवीटी का कहना क्या है, तो एलएमवीटी का कहना काफी सिंपल है। एलएमवीटी कहता है कि अगर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो कम से कम एक टेंजेंट तुम इस ग्राफ को ऐसे निकाल सकते जो टेंजेंट इस लाइन को पैरेलल होंगी। तो दोनों कंडीशन में पैरेलल ही बात की गई है, और पैरेलल बोला तो दोनों कंडीशन में, यानी एलएमवीटी में और आरटी में पैरेलल टेंजेंट की बात हो रही, किसकी बात हो रही, पैरेलल टेंजेंट की बात हो रही। तो एलएमवीटी कहता है उन दो बाउंड्रीज को ज्वाइन करने के बाद में मिलने वाली जो तुम्हारी रेड लाइन है इसको पैरेलल टेंजेंट, और आरटी कहता है कि एक्स एक्सिस को पैरेलल टेंजेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है कि आपको आज का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मैथ्स करते रहिए। हैव अ नाइस मैथ्स डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।